नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में से इन इक्वेशन को देखेंगे, इन इक्वालिटीज को देखेंगे, जो कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। बहुत आसान तरीके से आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग आसानी से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको केवल याद रखना है कि साइन अगर सेम है तो सही है, साइन अगर मिसमैच करता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइन अगर मिसमैच होगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को चाहिए दो एलिमेंट के बीच में, ए ग्रेटर देन में बी है, और हम लोग का निकल के आ जाता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो कंक्लूजन होगा ये गलत होगा। पहले आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होगा, उसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको क्या बताना है कि बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरे लाइन में आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, दो कंक्लूजन। अब इन दोनों कंक्लूजन में बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, ओनली वन सही है कि ओनली टू सही है, या फिर आइदर सही है, दोनों में से कोई एक सही है, या फिर दोनों गलत है, नाइदर हो जाएगा, या फिर बोथ, दोनों का दोनों सही होगा तो बोथ होगा। तो यही 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। केवल इतना याद रखिएगा कि साइन मैच किया तो सही होगा, साइन मिसमैच किया तो गलत होगा, सेम साइन मिला तो ही सही होगा, ग्रेटर देन पूछा तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी गलत होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, जितना चाहिए उतना ही हम लोग को देखना है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। ए लेस देन में बी, ए लेस देन में बी। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद में से बिना क्वेश्चन लिखे बनाऊंगा, ठीक है। एग्जाम में भी आप कोशिश करना है कि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़े, मन में ही बना ले, ठीक है। देखिएगा, बी लेस देन इक्वल टू में वी यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे m ग्रेटर देन में r हो जाएगा, m ग्रेटर देन में r हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग को कंक्लूजन देखना होगा। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, b ग्रेटर देन में r, b ग्रेटर देन में r देखना है। तो क्या हो जाएगा, b से r तक जाना है। तो b से r तक जाने के लिए यहाँ पे r है, उसमें m कॉमन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिलाना होगा। तो मिलाइएगा, तो b ग्रेटर देन में n इक्वल टू में m, m के बाद कौन सा साइन है, ग्रेटर देन r, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए, b के बाद ग्रेटर देन का साइन चाहिए था, ग्रेटर देन का साइन है, और इक्वल टू के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया। मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम लोग निकालेंगे b ग्रेटर देन में r, और ये चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब हमने सही किया। आगे देखिएगा नंबर टू में, नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। v ग्रेटर देन में a, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए b और v मिल गया, और यहाँ इस पार्ट को ले लेंगे तो बन जाएगा। देखिएगा, a लेस देन में b ऐसा लिखा हमने, और b के बाद कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू, और v तक पहुँच गए। अब देखिए, v के बाद ग्रेटर देन, तो v के सामने क्या किया हुआ है, मुँह खोला हुआ है। एक चीज़ और बता दूँ, ये क्या होता है, जहाँ मुँह खोला रहेगा ना वहाँ ग्रेटर देन होगा, जहाँ मुँह बंद किया होगा उसको बोलेंगे स्मॉलर देन बोलेंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं v के सामने मुंह खोला हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेंगे, और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया हम लोग को, मतलब दो जगह ग्रेटर देन मिल गया, ए तक हम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू को देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू को, देखिए 1 बना लिया हमने, 2 को बना लेते हैं, और इस चीज को हम क्या करते हैं ना, ये ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, और यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं कि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो, अब आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू में दोस्तों पूछा गया, देखिएगा, डी लेस देन में ई, ग्रेटर देन में एफ। मैं आप लोग को स्टेप से ही बताऊंगा क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है, एफ तक जाना है आपको। आप लोग मन में भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं एग्जाम में क्या करता हूँ, मन में ही बनाता हूँ इसको, लिख के नहीं बनाइएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाने हैं। आई
और लेस देन इक्वल टू में जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में अब ये जे हो जाएगा। अब देखिएगा एफ से आई तक जाना है, एफ कहाँ पे, एफ यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, और हम लोग को क्या देखना है पहले वाले में, हम लोग को पहले वाले में देखना है कि एफ ग्रेटर देन में आई मिलेगा कि नहीं। तो एफ के बाद देखिए ग्रेटर देन का है, इक्वल टू का साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये सही हो गया, यहाँ से इससे यहाँ तक गए कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये नंबर वन हो गया, मतलब पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू में, यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू में ई चाहिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू में ई चाहिए। तो देखिए जे यहाँ पे ग्रेटर देन, जे के सामने बुक खुला हुआ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और ई तक जाना है, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे देखिए साइन मिसमैच कर गया, ऐसे अगर हो जाएगा ना तो साइन मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नहीं बता सकते कि ग्रेटर देन होगा कि इक्वल टू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में आपसे पूछा गया, देखिएगा ये भी सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, मैं डायरेक्ट इनको मिलाने का कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पे लिख दिया मैंने, लिखा हुआ है कि एम लेस देन में एन, लेस देन में ओ, ग्रेटर देन में पी। एम लेस देन में एन, लेस देन में क्या लिखा हुआ है, लेस देन में ओ, और ओ ग्रेटर देन में पी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ एन से ई तक जाना है, एन और कॉमा देखिए क्या लिखा है, एन 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 लेस देन में ई, इसका जरूरत होगा तो हम लोग को मिलाना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं बिना लिखे इस बार बनाऊंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, बिना लिखे बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें चेक करना ई से, ई लेस देन में एम होगा, ई लेस देन में एम, ई यहाँ पे, ई यहाँ पे, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, ई के बाद कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा, यहीं पे साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया। यहाँ बोला कि हमको लेस देन का साइन चाहिए, बट यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि ई के बाद मुंह खोला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, तब आगे हम लोग देखेंगे ही नहीं। देखिएगा अगला, अगला पूछा है ई ग्रेटर देन में ओ, ई ग्रेटर देन में ओ, तो ई ई ई ग्रेटर देन का साइन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एन तक पहुंच गए। अब एन के बाद देखना ओ तक जाना है, तो ये लाइन को मिलाएंगे ना, तो एन के बाद लेस देन, अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, एन लेस देन में ओ ये लिखे, और एन के बाद कौन सा साइन है, लेस देन, और ई के सामने मुंह खोला हुआ है, तो देखिए साइन मिसमैच, मतलब ये पहुंचा नहीं पाएगा, अपोजिट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर, और ऑप्शन जो मैंने शुरुआत में दिखाया था उसमें कहाँ पे लिखा था, ये ऑप्शन चौथे ऑप्शन में लिखा था, मतलब ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ठीक है ना, जो मैंने ऑप्शन दिया था उसके अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन भी हमने बना लिया, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार को दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर चार में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर चार बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर चार में आपसे पूछा गया है कि सी ग्रेटर देन में डी, इसको लिख लेते हैं, सी ग्रेटर देन इक्वल टू में डी, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेस देन ई इक्वल टू में एफ, लेस देन ई इक्वल टू में एफ, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू में जी, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब उसके बाद कॉमा सी लेस देन डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमा सी लेस देन डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा पहला क्या लिखा है, ई इक्वल टू में जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई इक्वल टू में जी लिखा हुआ है, और यहाँ दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में यहाँ लिखा हुआ है जी, जी लेस देन में ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी लेस देन में ई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू में जी जाना है, ई इक्वल टू में जी। अब यहाँ पे देखिएगा ये स्टेटमेंट बता रहा है ई से जी तक पहुंचा देगा आपको, बट यहाँ पे इक्वल टू है कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मिसमैच कर गया, ये दोनों साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये केवल इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन गलत हो जाएगा, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे देखिएगा जी से ई तक जाना है, तो जी से ई तक जाना है, तो ई यही पे है ना, जी से ई तक, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ लेस देन का साइन है, अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे जी और ई के बीच में रिलेशन, तो ई ग्रेटर देन इक्वल टू में जी, तो बात तो एक ही चीज कह रहा है ना, मतलब है या तो ई ग्रेटर देन में जी जी होगा, ई ग्रेटर देन में जी होगा, या फिर ई इक्वल टू में जी हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आइदर हो जाता है, ऐसे में क्या होता है, आइदर हो जाता है, आइदर मतलब है तीन हो जाएगा, या तो वन सही होगा या तो टू सही होगा, तो आइदर का ऑप्शन देखेगा, आइदर वन और टू, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार को हमने बनाया, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांच में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांच में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पांच में आपसे पूछा गया है कि आर लेस देन में टी, आर लेस देन में टी, आर लेस देन में टी,
लीस्ट दिन में एस से, ठीक है, उसके बाद लीस्ट दिन में एस हो गया, उसके बाद लेस देन में पी, और फिर ग्रेटर देन में ओ, ऐसे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन में क्यू क्यू, ग्रेटर देन में क्यू, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमा आर, यहाँ अगर हम लोग थोड़ा स्पेस ले ले तो ये भी ऐड कर सकते हैं, कॉमा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कॉमा आर ग्रेटर देन में एक्स, तो आर के बाद एक्स ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए और यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, लिख दीजिए, तो ये एक लाइन में बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, दूसरे स्टेटमेंट को भी पहले में मिला दिया। अब देखिएगा, पहला पहला क्या पूछा है, एस लेस देन में क्यू, और दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा कंक्लूजन क्या पूछा गया, एक्स लेस देन में एस हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा एस लेस देन में क्यू, एस के बाद लेस देन का साइन देखना है और क्यू तक पहुंचना है, बट यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो ये गलत, इसके बारे में आप सोचना ही नहीं है हम लोग को, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, एक्स है, एक्स से हम लोग को कहाँ तक पहुंचना है, एक्स से हम लोग को एस तक पहुंचना है, तो यहाँ देखिए एक्स के बाद लेस देन का साइन, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन, कहीं भी साइन मिसमैच नहीं किया, आसानी से पहुंच गए, मतलब ये वाला सही, ऑनली कितना हो जाएगा, ऑनली टू फॉलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली टू हो जाएगा, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ऑनली टू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सही है, पहला गलत है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पी लेस देन में आर, ये लिख लीजिए, लिखेंगे तो ज्यादा समझने में आसान होता है, पी लेस देन में आर लिखा हुआ है और इक्वल टू में एम लिखा हुआ है, उसके बाद इक्वल टू में एल लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देखिए और लिख के आप लोग भी बनाइएगा, कॉमा कहीं नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग लिख क्यों रहे हैं, अच्छा लिख लेते हैं, आपको समझाना है मुझे, ओ हो जाएगा, ठीक है, लेस देन में वी हो जाएगा, ठीक है, अब ग्रेटर देन में वाई हो जाएगा। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, एल ग्रेटर देन में पी, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ओ ग्रेटर देन में आर, अब यहाँ एल से पी तक जाना है, एल यहाँ पे, पी कहाँ पे, पी यहाँ पे, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एल के सामने ग्रेटर देन का साइन यहाँ मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू में से ग्रेटर देन कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ भी ग्रेटर देन मिल गया, मतलब साइन मिसमैच नहीं किया, तो ये सही हो गया पहला। अब ओ से आर तक जाना है, ओ यहाँ पे है, आर यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो ओ के बाद ग्रेटर देन का साइन चाहिए, बट यहाँ ओ के बाद लेस देन का साइन है, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली वन फॉलो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली वन फॉलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने बना लिया। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 एक लाइन में लिखा हुआ है, तो इससे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ए ग्रेटर देन में बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी, ठीक है, ग्रेटर देन में डी, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू में एफ है, सही है, उसके बाद लेस देन में ई, ठीक है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू में सी, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। अब उसके बाद पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, बी बी ग्रेटर देन में ई, और दूसरा कंक्लूजन आपको दिया हुआ है क्या, कि डी लेस देन में सी, तो बी ग्रेटर देन में ई, बी से ई तक जाना है, तो देखिए यहाँ पे साइन मिसमैच कर गया, ई तक पहुँचने में, तो ये गलत, साइन मिसमैच कर गया, ग्रेटर देन चाहिए था, इक्वल टू भी मिला, बट यहाँ पे लेस देन का साइन हो गया, और जबकि ई के सामने मुंह बंद किया, यहाँ ई के सामने मुंह खोला है, तो ये गलत है, डी ग्रेट लेस देन में सी, डी यहाँ पे है, सी तक जाना है, तो यहाँ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली टू हो जाएगा, तो देख सकते हैं कितने आसानी से बना रहे हैं, और मैं सच बोलूँ तो ये सब क्वेश्चन आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, इतने आसानी से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप बिना देखे बना लीजिएगा, बिना देखे बना लीजिएगा, मतलब बिना लिखे बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे देखिएगा हम लोग को निकालना क्या है, सी लेस देन में ए, और एक जगह निकालना है सी इक्वल टू में ए, यही निकालना है, तो यहाँ देखिए ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, अगर हम लोग ए से लिखना स्टार्ट करें, इक्वल टू में ई तक जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू में सी तक जाएगा, डी तक जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू में सी,
तो अगर ए और सी के बीच में कंक्लूजन निकाले तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू में सी हो जाएगा। तो यहां तक तो हमने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, या तो ए ग्रेटर देन सी होगा या फिर ए इक्वल टू में सी होगा। यही चीज तो लिखा हुआ है, यही तो चीज लिखा हुआ है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, आइदर एक और तीन, आइदर एक और दो हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी कितना ज्यादा आसान है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान है और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे अगर आपसे पूछे जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, 9 में दिया हुआ है कि के और एफ है, के लेस देन में एफ। हम कंक्लूजन लिखते हैं उससे बनाते हैं, के लेस देन में एफ है। इसके लिए अब स्टेटमेंट को लिखिए, के से एफ तक हम लोग को लिखना होगा कि एफ लिखा हुआ है शुरुआत में, क्या एफ ग्रेटर देन में एन, ठीक है, इक्वल टू में ओ। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आप एग्जाम में मन से ही बना लीजिएगा, मन में ही बना लीजिएगा। यहाँ पे साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया। के बाद हम लोग को लेस देन का साइन चाहिए था, यहाँ पे के बाद ग्रेटर देन का साइन है, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक साइन देख के आप बता सकते हैं सही होगा कि गलत होगा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है देखिएगा, एन लेस देन में के लिखा हुआ है, एन लेस देन में के लिखा हुआ है, तो एन से के तक जाना है। तो एन लेस देन में के, देखिए इक्वल टू का साइन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ ग्रेटर देन का साइन मिल गया एन के बाद, और यहाँ ऐसे भी साइन क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइदर हो जाएगा आपका आंसर, नाइदर वन नॉर टू। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन और कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसे भी मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही बनाने का कोशिश करूंगा, जितना जरूरी होगा बस से उतना लिखूंगा। ठीक है, पहले मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। आगे देखिएगा इसमें q ग्रेटर देन में s, और यहाँ कुछ दूरी पे हम लोग दूसरे कंक्लूजन को लिखते हैं, s इक्वल टू में q। ये तो पक्का दिख रहा है कि आइदर होगा, आइदर वन और टू ऐसा होगा। अब देखिए ना, q के बाद कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, और s तक पहुंच गया ऐसे ही, मतलब q ग्रेटर देन इक्वल टू में s है, मतलब दो साइन छुपे हुए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आइदर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कितना आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, जे लेस देन में डी, ठीक है, जे लेस देन में डी, और ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, तो हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं, हम इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे अब, क्योंकि आप लोग को बनाने आ गया है। पहला कंक्लूजन है जे लेस देन में क्यू, और दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, एल लेस देन में आर। ठीक है, अब यहाँ हम पहले के बारे में बात करते हैं, तो पहले के बारे में अगर बात करें तो J से हम लोग को कहाँ जाना है, Q तक जाना है, तो J से Q तक जाएंगे, तो J के बाद लेस देन का साइन चाहिए था, तो लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन मिला, लेस देन इक्वल टू के साइन से कोई दिक्कत नहीं है, और लेस देन इक्वल टू के साइन से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को मिल गया J लेस देन में Q, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में देखिएगा एल लेस देन में आर, तो एल के बाद देखिए लेस देन का साइन है, और यहाँ पे देखिएगा एल के बाद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है ना, देखिएगा क्या गलत है, ये गलत होगा, क्यों गलत होगा देखिएगा, एल के बाद लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, के लिखा हुआ है, फिर लेस देन का साइन लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है शायद, और क्यू के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू में आर लिखा हुआ है, मतलब ये साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने दोस्तों काफी आसानी से बना लिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, इस चीज को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि O ग्रेटर देन में P, O ग्रेटर देन में P, ठीक है, ये लिखा हमने, O ग्रेटर देन में P इक्वल टू में G, इक्वल टू में G, उसके बाद लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन में B, ग्रेटर देन में B, उसके बाद लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में M लिखा हुआ है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू में X लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू में X इक्वल टू में एम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम भी लिखते तो चल जाता, और लेस देन इक्वल टू में एच लिखा हुआ है। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, पहला कंक्लूजन देखिएगा, पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, जी ग्रेटर देन में एक्स हो जाएगा, जी ग्रेटर देन में एक्स हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन देखिएगा, दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, दूसरा कंक्लूजन लिखा हुआ है ओ ग्रेटर देन में एम, ओ ग्रेटर देन में एम। अब देखिएगा ये तो एक लाइन में लिखा हुआ है, जी से एक्स तक जाना है, जी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, कहीं भी साइन नहीं मिसमैच हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये सही हो गया, ये ओके है। ओ ग्रेटर देन में एम, ओ यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एम तक पहुँच गए, मतलब ये भी सही है, बोथ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बोथ वन और टू राइट है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों हमने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन में बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी, ऐसे लिखा हुआ है। ए ग्रेटर देन में बी, ग्रेटर देन इक्वल टू में सी, ग्रेटर देन इक्वल टू में सी, इक्वल टू में डी, इक्वल टू में डी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लेस देन में इक्वल टू में एफ हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, लिखा हुआ जी लिखा हुआ है, ठीक है। पहला कंक्लूजन देखिए और दूसरा कंक्लूजन देखिए। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, ई लेस देन में बी लिखा हुआ है, ई लेस देन में बी लिखा हुआ है। दूसरा कंक्लूजन लिखा हुआ है जी ग्रेटर देन में ई लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ई से बी तक देखना है, तो ई कहाँ पे, ई यहाँ पे है, बी कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ई के बाद लेस देन का साइन, लेस देन का साइन इक्वल टू का साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ लेस देन का इक्वल टू में लेस देन कॉमन है, तो ये सही हो जाएगा। अब जी से ई तक जाना है, जी के बाद ग्रेटर देन का साइन चाहिए था, यहाँ भी ग्रेटर देन, यहाँ भी ग्रेटर देन, और ई तक देखिए आसानी से पहुंच गए ग्रेटर देन के साइन के साथ। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सही है, कहीं भी गलत नहीं है। बट यहाँ अगर इक्वल टू आ जाता तो गलत हो जाता है, क्योंकि रिलेशन तब निकल जाता ई लेस देन इक्वल टू में जी, बट हम लोगों को केवल ग्रेटर देन मतलब लेस देन ही चाहिए था, या ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है। मतलब जो साइन चाहिए वही साइन आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए, हल्का सा भी मिसमैच मतलब गलती। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। यहाँ पे क्यू और पी, ठीक है, देखिए वन लिखते हैं, हम लोग को कंक्लूजन क्या निकालना है, क्यू ग्रेटर देन में पी निकालना है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकालना है, हम लोग को वी लेस देन में आर निकालना है, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए क्यू से पी तक जाना है, क्यू से पी तक जाना है, तो क्यू से पी तक जाना है तो दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, हम लोग को क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा लगता है, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन शायद लिखना होगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पी लेस देन में आर, पी लेस देन में आर, लेस देन में टी हो जाएगा, लेस देन में टी हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू में यू हो जाएगा, इक्वल टू में यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सेमी कॉलन ने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन में टी हो जाएगा, क्यू ग्रेटर देन में टी लिखा हुआ है, और लेस देन इक्वल टू में एस लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू में एस लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन में बी लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू में बी। अब यहाँ देखिए क्यू से पी तक जाना है, तो क्यू से पी तक जाना है, तो पी इसके पास है पहले स्टेटमेंट के पास, क्यू है दूसरे स्टेटमेंट के पास, तो क्यू और टी यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दीजिए, ये हो जाएगा पी लेस देन में आर हो जाएगा, लेस देन में टी हो जाएगा, और टी के बाद यहाँ लेस देन का साइन दिया और क्यू लिख दिए। अब क्यू ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन पी, तो ये वाला सही है, पहला सही हो जाएगा। वी से आर तक जाना है, तो वी कहाँ पे, वी यहाँ पे, वी के बाद कौन सा साइन है, लेस देन, यहाँ भी लेस देन, इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ टी, बट साइन यही पे मिसमैच हो जा रहा है, साइन यही पे मिसमैच हो जा रहा है ना, ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन मिसमैच कर गया, गलत कर देंगे। टी तक पहुंचेंगे क्यों, क्योंकि टी यहाँ भी है, दोनों को मिलाते, बट यही पे साइन मिसमैच कर गया, तो हम गलत करेंगे, ओनली वन कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि टी लेस देन में पी, टी लेस देन इक्वल टू में पी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, एन लेस देन में एल। अब मैं इस बार क्वेश्चन को नहीं लिखने वाला हूँ, मतलब इसको डायरेक्ट बनाएंगे, टी लेस देन में पी। अब टी से पी तक पहुंचना है, तो टी के बाद देखिए लेस देन का साइन है, मुंह बंद किया है टी की तरफ है, दोनों में कॉमन खोजिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एम है, तो एम तक पहुंचे, लेस देन इक्वल टू का साइन मिला, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यही साइन चाहिए। फिर एम के बाद देखिए इक्वल टू का साइन मिलता है, फिर ग्रेटर देन, एम के बाद इक्वल टू का साइन मिलता है, और ओ मिलता है ओ, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाता है, तो ये सही हो जाएगा। आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे लिखना होगा, मैं लिखता हूं एम तक, एम एम ग्रेटर देन इक्वल टू में एस ग्रेटर देन इक्वल टू में टी, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एम के बाद इक्वल टू का साइन लिखा हुआ, इक्वल टू ओ, यहां तक लिखा हमने इक्वल टू ओ, ओ के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू में पी, ओ के बाद यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू में पी। अब देखिएगा पी के बाद ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए था, बट यहाँ लेस देन का साइन है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, पहले ही हम देख लेते हैं,
तो पहले ही हम पता कर लेते हैं कि गलत है, क्योंकि पी के बाद वहां लेस देन का साइन दिया है और कंक्लूजन में कह रहा है कि ग्रेटर देन का साइन होगा। अब एल लेस देन में आर, एन के बाद लेस देन इक्वल टू का साइन है और एल के बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं एल 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 ग्रेटर देन में एम, एम तक लिख लिए पहले स्टेटमेंट से, जो पहला पार्ट दिया स्टेटमेंट का। और दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में हमें कहाँ तक जाना, एन तक। तो एम के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में एन ऐसे लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से हमें ये मिल जाएगा जो चाहिए था, तो ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने अच्छे से बना लिया, काफी आसानी से बना लिया। तो इन इक्वेशन में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, हो सकते थे, सभी हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।